हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है वीकडे और मैं अभी जस्ट फ्री हुई हूँ, ऑफिस से घर जा रही हूँ। सो आई थॉट कि व्लॉग बना लेते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको पता लग ही गया होगा टाइटल से। इफ़ नॉट देन कीप वॉचिंग, कंटिन्यू। अब बताओ कैसा चल रहा है सबका काम वाम। मैं बस अभी स्काई ट्रेन तक जा रही हूँ वॉक करके। मेरे वर्क प्लेस से स्काई ट्रेन तक ही 15 मिनट की वॉक है। उसके बाद ट्रांजिट लेते हैं, उसके बाद घर पहुंचते हैं। लेट्स गो। तो ये इतनी सुंदर स्ट्रीट है, यहाँ पर पूरे ऐसे दूर दूर तक आगे तक पूरा कार के ही शोरूम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स, इतनी मस्त मस्त। और इन्हें देख के लगता है कि वन डे वी गोना ऑन समथिंग लाइक दिस फॉर श्योर। दोस्तों फाइनली स्काई ट्रेन स्टेशन पहुँच गई हूँ। सांस चढ़ गया था क्योंकि मैंने थोड़ा पेडिस्ट्रियन लाइट रन करके क्रॉस की थी, नंबर हो रहा था उसका। और ये है स्काई ट्रेन बाहर से, अभी चलते हैं, टैप करते हैं और स्काई ट्रेन से मुझे अपने घर तक पहुँचने के लिए 30 मिनट लगेगा। और तब तक के लिए ये ड्रगी थे जिन्होंने फुल नशा किया हुआ है और कुछ नहीं पता हुआ है। अभी फटाफट एक्सेलेटर लेके ऊपर चलते हैं, स्काई ट्रेन पकड़ते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं पहुँच कर। दोस्तों बहुत ज़्यादा ही धूप हो रही थी, मैंने जैकेट भी उतार दिया क्योंकि पता ही नहीं लग रहा आजकल ना। सुबह माइनस नहीं कह रही, सुबह 3 डिग्री होता है, 4 डिग्री टेम्परेचर होता है और इस टाइम इतनी गर्मी हो जाती है। लाइक अब ये जैकेट भी अच्छी लग रही है, ये भी जो हुडी पहनी हुई है ये भी अच्छी लग रही है। हमें ट्रेन आ गई है, ट्रेन पकड़ लेते हैं चलो। दोस्तों लुक हु इज हियर टू पिक मी अप टुडे। आज को डिफरेंट एनर्जी लग रही है। और टाइम क्या हो रहा है अभी? टाइम हो रहा है राउंड 4 और मेरे साथ सीन हो गया ट्रेन में। हुआ ये कि मैं बैठी थी और मेरे को आई थिंक 10 मिनट बच रहा था मेरे स्टेशन आने में, और एक अंकल बैठे थे मेरे साइड में। भाई आई एम नॉट श्योर कि उसने पी रखी थी, क्या सीन था उसके साथ। वो उसने बतलाना शुरू कर दिया, वो अभी मेरे को भी स्टेशन के बाहर भी दिख रहा, लाइक आई कांट शो यू हिज पिक्चर बट या। और उसने अपनी भाषा में बोलना शुरू कर दिया, हाँ, और मेरे को कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा और वो मेरे से बातें करे जा रहा है ना। आई वॉज फीलिंग सो अनकम्फर्टेबल देयर कि अगर मैं उठ के भी जाऊँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि वो अपना एक्सप्लेनेशन देने लग गया कि क्या क्या, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और सेकेंड थिंग मुझे पंजाबी समझ भी नहीं आती और ऊपर से ट्रेन की इतनी तेज आवाज है, तो वो क्या बोल रहा था, क्या आंसर कर रहा था, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, पंजाबी में बोल रहा था। हाँ, सो इट वॉज सो बैड। लाइक कोशिश किया करो आप लोग भी कि अवॉइड करो। मैं बस अपना मुंह पे जिप लगा के बैठी थी, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं करा। और जब मैं ट्रेन से उतरी तो समवन नोटिस मी, लाइक किसी व्हाइट पीपल ने मुझे नोटिस कर लिया। एंड ही वाज लाइक आर यू ओके, इज एनीथिंग, लाइक इज एनी प्रॉब्लम विद यू? आई वाज लाइक नो, ही माइट बी हिज ड्रंक और ही जस्ट लाइक एक्सप्लेनिंग हिज स्टफ एंड आई एम नॉट गेटिंग इट। तो बस ऐसा ही था कि कोशिश करा करो ऐसे लोगों के मुँह ना लगे, ऐसे लोगों को कुछ बोलो ना, अगर कुछ कुछ बोल भी रहा तो जस्ट इग्नोर इट द वे आई डिड इट। That's all. Finally heading back to home. मेरे को बहुत नींद आ रही है as usual, और मुझे अपने चेहरे से भी लग रहा है कि मेरे नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मुझे आइस के यहाँ से पता लग रहा है कि आई वांट टू स्लीप। और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, फाइनली गुड डेज आर बैक। इंडिया के भी दिन, मतलब आई डोंट नो, अचानक ही सडन ही गर्मी हो रही है, सडन ही सर्दी हो रही है, सुबह इतनी ठंड होती है, दोपहर में इतनी गर्मी हो जाती है, बाहर निकलो तो तुम वेदर स्वेटर के बिना भी नहीं निकल सकते हो। 3 डिग्री था सुबह भी, 3 डिग्री था, लेकिन अब देखो कितना, 17 डिग्री, 17 डिग्री, सो वेदर इज इनसेन। ट्रू दैट। सो गाइस अभी हम घर जा रहे हैं और स्टे ट्यून, आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। स्पेशल क्यों होने वाला है वो आपको भी आगे आगे पता लगता रहेगा, तो स्टे ट्यून। मेरा बैग गिर गया, आई एम सो सॉरी। मस्ट ऑफिस और या आज मैंने इन्हें भी निकाल के अपने कानों में नहीं लगाया हुआ था। मैं आज ऐसे ही बैठी थी क्योंकि मेरी आईज पेन कर रही थी एंड आई थॉट कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ रादर देन वॉचिंग फ़ोन, और मैंने तो ये लगाया हुआ नहीं था। अगर तुम वैसे तो यहाँ पर, अगर मतलब लोगों का होता ही है कि तुम बहुत कम लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करते हो, ज़्यादातर सब अपना एयरपॉड्स वगैरह में या फ़ोन वगैरह में बिजी होते हैं,
बट मेरी किस्मत थोड़ी डिफरेंट थी और उसकी बकवास सुनी मैंने 10 मिनट. आई डोंट लाइक इट एट ऑल बट दैट्स ओके. हेलो हेलो व्हाट्सअप वेलकम बैक गाइस. बात ऐसी हुई है कि मैं सो रहा 1 घंटे के लिए था और मैं सो 2 घंटे के लिए गई हूँ एंड नाउ आई एम रनिंग. मैंने हेयर वॉश किया, मैंने फटाफट शावर लिया. आई हैव ओनली 40 मिनट्स टू गेट रेडी, गेट माई मेकअप डन एंड ऑर्गेनाइज ऑल स्टफ एंड स्टे ट्यून्ड. सरप्राइज है. और जिन लोगों को अभी तक नहीं पता लगा, टुडे इज विजय बर्थडे. वी आर गोइंग फॉर अ पार्टी एंड ही हैव नो क्लू वेयर वी गोइंग, व्हाट वी गोना डू एंड हु आर कमिंग. सो स्टे ट्यून्ड एंड आई डोंट नो हाउ वी गोना रिएक्ट इट बिकॉज इसका रिएक्शन बहुत ही अजीब होते हैं. अजीब नहीं कह सकते बट ही डोंट रिएक्ट इन अ सर्टन वे द वे ही वॉन्ट ही शुड. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट गाइज. आई अनफॉर्चुनेटली सारा प्लान का चौपट हो गया है. विजय को सब पता लग गया है, जो हमने प्लान किया था सारी प्लानिंग फ्लॉप हो गई है. राइट नाउ वी आर गोइंग टू पिक आवर फ्रेंड, हम ऑन वे है और मैं रेडी हो गई हूँ एंड दैट्स हाउ ही इज़ लुकिंग. आई नो डार्क हो रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं लोकेशन पर पहुँच के बताते हैं बट ही स्टिल डोंट नो विच रेस्टोरेंट वी आर गोइंग. तो वो फिर भी सरप्राइज है. अदरवाइज के कौन कौन इनके फ्रेंड्स आ रहे थे इन्हें सब पता लग गया है. सो नो सरप्राइज, हम बहुत पुअर है सरप्राइज देने में. सच अ बिग फेलियर, क्योंकि इस वजह से भी है फेलियर, बिग फेलियर, क्योंकि सबका आज काम है. ऑल आर वर्किंग लाइक 6 or 6:30, सबको टाइम लगेगा रेडी होके आने में. तो उन सबके कॉल आए जा रहे थे और फ्रॉम द कॉल ही गॉट टू नो दैट ओह दैट पीपल इज कमिंग टू पार्टी. नेवर माइंड, वी ऑल सेट, वी ऑल आर रॉकिंग. एंड इफ आप लोगों ने अगर विश नहीं किया सो से हैप्पी बर्थडे टू हिम, ब्लेस हिम, ही इज अ नाइस 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 जेंटलमैन यू गोना एवर एवर सी. वो है समय की और ट्रैफिक की सबसे बड़ी दुश्मनी है. हमारे पास समय कम है आज तो ट्रैफिक भी हमें ज़्यादा ही मिल रहा है. अदरवाइज तो इस टाइम लाइक ट्रैफिक हो रहा है क्योंकि सबका ऑफिस आने का भी टाइम हो रहा है. कितना टाइम हो रहा है? 7:35 नहीं, इस टाइम होना नहीं चाहिए बट आई डोंट नो क्यों ट्रैफिक है. हम ऑलरेडी लेट है. जहाँ पे मैंने रिजर्वेशन कराया है वहाँ पर रिजर्वेशन स्टार्ट होने में 5 मिनट है. 7:40 का रिजर्वेशन है, वी आर 7:36, वी आर स्टिल ऑन द रोड. और अभी तो मुझे बेकरी जाना है टू पिक द केक एंड देन वी गोना पिक आवर फ्रेंड एंड देन वी विल गोना हेड आउट टू द लोकेशन. ब्लेस अस, ऑलवेज रनिंग लेट. गाइस फाइनली हम केक लेने के लिए, हम नहीं सिर्फ मैं केक लेने आ गई हूँ फाइनली इस बेकरी से. मैं पोस्ट कर दूंगी कि कैसा रिव्यू है और कितने का केक है बट अभी फिलहाल कलेक्ट कर लेते हैं. लेट्स गो. इनके पास बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन है. लेट्स सी मेरे वाला केक कौन सा है. आई एम वेटिंग, मुझे दिख भी नहीं रहा है. पीछे कहीं रखा हो तो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. गाइस केक इज हियर, स्टिल गेटिंग रेडी. मैं यहां कैसे बैठ जाऊंगा? हु इज हियर? हैप्पी बर्थडे विजय. थैंक यू सो मच. उधर उधर से, उधर से. ये भाई है पागल हो गया. अरे लाओ भाई, जप्पे जप्पे पाओ, जाओ जाओ. ब्रेक लगा दो, मुझे बता के लगा देना. सूखा सूखा बर्थडे विश कर रहे हैं. ले भाई ले, कुछ फॉर्म फॉर्म लेके आनी थी गंदा करने के लिए. गाइस फुल ऑन अंधेरा हो गया है और हम अभी निकले हैं. कितना 7:55 हमने पिक करने में कर दिया. मना नहीं, बहुत फैशन करते बेटा तू. हाँ बस तेरा बर्थडे नहीं था, अच्छी लग रही है ये इसलिए तो रेडी हुई है इतनी मेहनत करने के लिए. मना अच्छी लग रही है तो मैं तेरे को बताना ही भूल गई. यू आर लुकिंग प्रीटी डार्लिंग. थैंक यू मांगा. गाइस हम फाइनली रेस्टोरेंट आ गए हैं एंड दैट्स हाउ इट्स लुकिंग. हमारी टेबल बुक हो रखी है. किसका वेट कर रहे हो? बैठ के नहीं रहे हो तुम लोग? मैं तो व्लॉग बना रही थी. बैठ ही फाइन डाइनिंग है. हमने के शायद घर जा रही है. नहीं नहीं ऐसे कैसे. मैं तेरे पूछने वाला हूँ.